ढाबे वाली सीक्रेट कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 तेजपत्ता, 4 लौंग, 8 काली मिर्चें, 2 स्टार एनीस, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें और 1.5 चम्मच धनिया के बीज लिए हैं। इन्हें हल्का सा रोस्ट करके हमें ट्रे में निकाल लेना है। मेरे सभी मसाले मैं घर में ही बनाती हूँ, रेडीमेड मसाले कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब इसी पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेना है और 1 बाउल भर के बारीक चॉप्ड ओनियन इसमें डालने हैं। जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं, जार में सभी मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें 1-1 चम्मच सूखा हुआ लहसुन और सूखा हुआ प्याज डाला है और एकदम बारीक पेस्ट इसका बना लेना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब प्याज को हमें एकदम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और 1 बाउल भर के ही मैंने यहाँ पे टमाटर यूज़ किया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है और इसे भी प्याज के साथ मिक्स करके इसी तरह से दबा दबा के हमें फ्राई कर लेना है। सारा पानी सूख जाना चाहिए, एकदम गोल्डन ब्राउन दोनों हो जाने चाहिए। ढाबे वाले भी बिल्कुल इसी तरह से कढ़ाई पनीर बनाते हैं। प्याज टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब पैन में एक साइड 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। घी हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सूखी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने जो मसाला बनाया था ना वो 1.5 चम्मच के करीब डाला है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। फिर 1.5 चम्मच चॉप की हुई अदरक, 1 चम्मच धनिया, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा कच्चा प्याज मैंने यहाँ पे डाला है। इस मसाले में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो यहाँ पे देगी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो। इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल गरम किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और जो मसाला हमने बनाया था ना वो 1/2 चम्मच डालेंगे इस मसाले में। अब हमें ये शिमला मिर्चें और ये प्याज जो बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था, इन्हें 2-3 मिनट के लिए बस भून लेना है। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें ये जो प्याज टमाटर फ्राई किए थे वो भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये दही, इसे मैंने रात को कपड़े में बांध कर रख दिया था, ये 1 कप दही है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप गरम पानी यूज़ किया है। गरम पानी डालने से मसाला आपका जल्दी फ्राई होगा, गरम पानी का ही यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पे रात में ना 3-4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें भिगा के रख दी थी और उसका पेस्ट बनाया है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने टमेटो केचप डाला है और 1 चम्मच मैंने जो मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाला है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। हमें शिमला मिर्च को और प्याज को थोड़ा कच्चा ही रखना है, क्रंची रहना चाहिए, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब ये पनीर लिया है, इसे देखिए इस तरह से मैंने धागे से कट किया है। मैं इसका ट्राइंगल कट करना है तो देखिए इस तरह से कट कर लिया है मैंने बड़े बड़े पीसेस में पनीर को। अब ये 1/2 कप गरम पानी मैंने और डाल दिया है और 1 टमाटर को 4 पीस में कट करके डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है। टोटल मुझे यहाँ पे ना 1 बाउल, छोटा वाला बाउल धनिया का लग गया था। और फिर अब नमक भी डाल देते हैं। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है लगभग। अब इसमें ये मैंने 1/2 कप फ्रेश क्रीम डाली है, ये बहुत ज़रूरी है। मलाई का यूज़ ना करें, अगर ढाबे वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आप कभी भी सब्ज़ी बनाएं क्रीम का ही यूज़ करें। पनीर को भी डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। पनीर यहाँ पे मैंने मलाई पनीर यूज़ किया है, ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। लीजिए, ढाबे वाली कढ़ाई पनीर रेडी है।